विनायक के पैर में हुआ फिर से बहुत तेज दर्द, बिल्कुल वैसा ही दर्द जैसा जब वो कैंप में था तब हुआ था, और उस वक्त सई ने उसे काफी संभाला था और सई ने ये दर्द ठीक किया था। क्या विनायक की खातिर लौटेगी सई चौहान फैमिली में? हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। विनायक जो है वो सई को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। जी हाँ, बहुत कम वक्त में विनायक जो है वो सई के काफी करीब हो चुका है, इतना करीब कि अब तो सई की उसे बहुत याद आती है, साथ ही सभी की भी। यहाँ पर जो पाखी है वो ये देख रही है कि जब से विनायक लौटा है तब से वो काफी खोया खोया नजर आता है। साथ ही साथ पाखी को जो है वो तस्वीर भी मिल जाती है। पाखी देख लेती है सई और सभी की तस्वीर। ये तस्वीर देखने के बाद होश उड़ जाते हैं पाखी के। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से विनायक को अचानक से बहुत तेज पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि विनायक कैसे ठीक होगा। यहाँ पर विनायक के लिए अब यही एक ऑप्शन बचता है, वो फिर से उस डॉक्टर के बारे में पता करने की कोशिश करने वाला है। विराट फिर से उसी डॉक्टर को बुलाने वाला है, यानी कि सई को बुलाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ विनायक कह देता है कि डॉक्टर आंटी ने मुझे पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। जिसके बाद विराट उस कैंप में जाएगा और उस सई के बारे में पता करेगा और पता करेगा कि कौन से डॉक्टर हैं। और इसके बाद जब विराट पहुंचेगा सई के पास तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि सई है। सई यहाँ पर अपनी बेटी के साथ नजर आने वाली है, और सबसे बड़ी बात माना ऐसा जा रहा है कि विराट जो है जगताप को देख लेगा सई के साथ। और यहाँ पर हो सकता है विराट को कुछ मिसकम्युनिकेशन हो, यानी कि हो सकता है कि विराट सई को लेकर कुछ गलत भी सोचे और उसे लगे कि ये जो सभी है वो जगताप और उसकी बेटी है। लेकिन फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो अभी आप धीरे धीरे एपिसोड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि विनायक को तेज दर्द हुआ है और विराट जो है वो डॉक्टर की तलाश में गया हुआ है, और यहाँ पर मिलती है उसे सई। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर सई उसे मिल जाएगी, और ये जानकर विराट की सई जिंदा है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने वाला है। साथ ही साथ अब यहाँ पर जो पाखी है उसने जो है ये तस्वीर देख ली है सई और सभी की। ये तस्वीर देखने के बाद पाखी जो है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि पाखी जो है वो ये तस्वीर छुपा देगी ताकि पता ना चले किसी भी हालत में विराट को। लेकिन विराट को तो सारी बातें पता है और ये बात पाखी जान चुकी है। अब उसे यही लगेगा कि किस तरीके से विनायक को दूर रखा जाए। तो क्या इसका मतलब यही है कि पाखी जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हुई है? उसने जब देखा है कि सई जिंदा है तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके सिंदूर पर खतरा मंडराने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए विराट उसे छोड़ देगा। हालांकि विराट ने उसे कभी अपनाया नहीं था, लेकिन फिलहाल जो पाखी को मिला है वो भी उसे अच्छा लग रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विराट उसे नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल क्या करेगी पाखी ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ पर जो विराट है वो सई से जब मिलता है तो बातें तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो बात होती है वो ये भी होती है कि विनायक के पैरों में काफी तेज दर्द है और वो कहता है कि वो उसके साथ चले चौहान हाउस। लेकिन सई जो है वो पहले मना करती है और कहती है उसे यहाँ लाने के लिए, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा पैरों में उसके बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि विनायक चल फिर नहीं पाएगा, तो फिर यहाँ पर जो सई है वो वापस आने वाली है। अब देखना होगा क्या विनायक की खातिर सई जो है वो आएगी चौहान फैमिली में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।